दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला गया एशिया कप का सबसे रोमांचक और कांटे का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है केवल 400 लाइक का, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आपको बता दें, श्रीलंका की सरजमी पर महिला एशिया कप 2024 का धमाकेदार आगाज हो चुका है, जिसका दूसरा मुकाबला ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान के बीच में डम्बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान नीदा दार ने टॉस जीतकर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिर हो भी क्यों ना, ये था इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला। तभी तो सभी की नजरें इसी मैच पर टिकी हुई थी। खिलाड़ियों ने भी निराश नहीं किया और दोनों टीमों के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मुनीबा अली के साथ गुल फिरोज आती हैं। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई पूजा वत्सकर का स्वागत फिरोजा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन पूजा ने इस चौकी का बदला ओवर की चौथी गेंद पर फिरोजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया, जिनका आसान सा कैच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लपका और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 9 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी, लेकिन मुनीबा अली मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब सिद्रा अमीन आ चुकी थी, जिन्होंने आते ही रेणुका सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उनकी लगातार दो गेंदों पर दो खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की टीम बेधड़क अंदाज में आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी तो इस मुकाबले में उनकी शामत लाने के लिए आए हैं। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई एक बार फिर विकेट की तलाश में पूछा और इस बार उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मुनीबा अली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। पाकिस्तान का स्कोर 4 ओवर में बड़े ही मुश्किल से 26 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया, लेकिन सिद्रा अमीन अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब आलिया रियाज आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 37 रनों तक इन दोनों ने मिलकर पहुंचा दिया। अभी भी मैच बराबरी पर था, पर दोस्तों इसके बाद तो केवल पाकिस्तान की तबाही का मंजर ही हमें देखने को मिला। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आई श्रियंका पाटिल ने इस ओवर में आलिया रियाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 41 रनों पर दिला दी, जहां आलिया केवल 6 रन बनाकर पवेलियन चली गई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर खुद कप्तान नीदा दार आ चुकी थी। उनका भरपूर साथ सिद्रा अमीन भी दे रही थी। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 53 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। मैच में टीम इंडिया का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान मैच में वापसी की जद्दोजहद कर रही थी, तभी 12वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तानी कप्तान नीदा दार का शिकार कर पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी, जहां नीदा दार केवल 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन चली गई। तो पारी के 13वें ओवर में रेणुका सिंह ने अकेले ही पूरे के पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, इस ओवर में रेणुका ने आग उगलती हुए पहले 5 गेंदों पर सेट बल्लेबाज सिद्रा अमीन का शिकार कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान को 5वां सबसे बड़ा झटका दिया, जो कि 35 गेंदों पर 3 चौकी की बदौलत 25 रन बनाकर पवेलियन जा चुकी थी। उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने आए इराम जावेद को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर रेणुका ने पाकिस्तानी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। 13वें ओवर में ही पाकिस्तानी महिला टीम 61 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही शेष थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो पाकिस्तान मुश्किल से 100 रन भी नहीं बना पाएगी और उनकी हार निश्चित है, लेकिन अब मैदान पर उतरी ट्यूबा हसन ने फातिमा सना के साथ मिलकर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद कर दिया
आते ही ट्यूबा हसन ने चौके से अपना खाता खोला तो 15वें ओवर में पूजा वत्सकर को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने एक के बाद एक दो खतरनाक चौके लगाए। ट्यूबा हसन तो केवल चौकों में ही डील कर रही थी, उन्हें रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो चला था। 17 ओवर में ही उन्होंने पाकिस्तान को 92 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया था, लेकिन तभी 18वें ओवर में एक बार फिर दीप्ति शर्मा का जादू चलता है। उन्होंने पहली ही गेंद पर ट्यूबा हसन को राधा यादव के हाथों कैच आउट करवाकर सबसे बड़ी मछली को पवेलियन भेज दिया।